5 मई के बाद से द केरल स्टोरी फिल्म की चर्चा हर जगह हो रही। इस फिल्म में वैसे तो 4 एक्ट्रेसेस हैं जो कि लीड रोल में फिल्म में नजर आने वाली, लेकिन सिनेमा घरों में फिल्म देखने के दौरान सबसे ज्यादा सोनिया बलानी के नाम को फैंस ने पसंद किया। तो चलिए आज के इस वीडियो में बॉलीवुड की इसी एक्ट्रेस के बारे में कब कहां क्यों वाला डिस्कशन करते हैं। बता दें, सोनिया बलानी को ज्यादातर लोग डिटेक्टिव दीदी के नाम से जानते हैं। सोनिया आगरा की रहने वाली हैं और उनका जन्म 1991 में हुआ था। सोनिया छोटे पर्दे पर अपनी अच्छी खासी पहचान बना चुकी हैं। उन्होंने कई टेलीविजन सीरियल्स में भी काम किया। सुरवीन दुग्गल नाम के शो से सोनिया ने छोटे पर्दे पर अपना डेब्यू किया था, जिसके बाद से उन्हें शो के ऑफर्स आने लगे थे। इसके बाद सोनिया ने तू मेरा हीरो और बड़े अच्छे लगते हैं जैसे डेली सोप्स में भी काम किया था, लेकिन सबसे ज्यादा पहचान उन्हें डिटेक्टिव दीदी सीरियल से मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इंटरव्यू में सोनिया ने अपनी फिल्म जर्नी का एक्सपीरियंस फैंस के साथ शेयर किया। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि द केरल स्टोरी में काम करना उनके लिए बेहद आसान सफर रहा, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले टीवी शो डिटेक्टिव दीदी में कई क्राइम सीन्स निभाए थे, जिसकी वजह से उन्हें इस रोल की बारीकियों के बारे में जानकारी थी, और यही वजह थी कि इस पूरी फिल्म में उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही निखर कर आया था। बता दें, इस फिल्म में सोनिया बलानी आसिफा का रोल प्ले कर रही, लेकिन ऑडिशन के दौरान वो श्योर नहीं थी कि उन्हें इस रोल के लिए फिल्म में रखा जाएगा या नहीं, क्योंकि उनसे 2 रोल्स के लिए ऑडिशंस लिए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं सोनिया खुद भी आसिफा का रोल प्ले करना चाहती थी, वो इसलिए क्योंकि उनकी फर्स्ट चॉइस आसिफा थी, क्योंकि ये रोल काफी चैलेंजिंग था। ये रोल सोनिया के लिए इसलिए भी चैलेंजिंग था क्योंकि इससे पहले उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव रोल्स निभाए थे। इसके साथ ही फिल्म देखकर उनकी एक्टिंग की तारीफ करने के लिए सोनिया ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। एक्ट्रेस ने इमोशनल होते हुए कहा कि उनकी एक्टिंग का पूरा श्रेय उनकी स्वर्गीय माँ शांता बाला और पिता रमेश बलानी को जाता है। बता दें, सोनिया बलानी एक्टिंग के साथ साथ एक ट्रेन डांसर भी हैं और फिटनेस फ्रीक भी है। सोशल मीडिया पर अक्सर सोनिया अपने फैंस को एक्सरसाइज और योगा टिप्स देती रहती है। उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी। सोनिया के फिल्मी करियर की बात करें तो साल 2016 में उन्होंने तुम बिन फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म के बाद उनकी दूसरी फिल्म बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान के साथ आई थी। इस फिल्म का नाम था बाजार। और अब द केरल स्टोरी सोनिया की तीसरी फिल्म। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिया ने इस फिल्म के लिए 30 लाख रुपए की मोटी फीस ली। सोनिया फिलहाल सिंगल है और अपना पूरा ध्यान करियर पर लगाना चाहती है। द केरल स्टोरी में सोनिया का किरदार सबसे बड़े नेगेटिव रोल में से एक था। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और जानकारी के लिए देखते रहें न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स।